सामान्यतः हम समाज में देखते हैं जो जो थोड़े से धर्म परायण लोग होते हैं, जिनकी धर्म में, भगवान में, अध्यात्म में रुचि होती है, तो वो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। मे बी क्योंकि समाज में कुछ चलता आ रहा होता है या कुछ परिवार से सीखा होता है, और उसी परंपरा को वो कंटिन्यू करते हैं। उसको हम बोलते हैं रीति रिवाज, जिसमें पूजा भी शामिल होती है। एक सिस्टम में हम अपने आप को बांध लेते हैं और उस सिस्टम के अनुसार हमारा जीवन चलता है। एंड थोड़ा सा हमारे हृदय में डर भी होता है कि यस भगवान हैं, भगवान चीज़ों को देख रहे हैं, और हम थोड़ा सा संभल के चलते हैं, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं, और हम अपने लेवल पे ये पूरा प्रयास करते हैं कि हमसे जीवन में गलती ना हो, हम कभी किसी का बुरा ना करें। पर ये एक स्तर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जो लोग अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाते हैं, तो अध्यात्म को हम चार अलग अलग स्तर पे अपनाते हैं। सबसे पहला स्तर है भय। हमें डर लगता है भगवान से थोड़ा थोड़ा, एंड हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चले, इसलिए हम भगवान की शरण लेके अपने जीवन को चलाते हैं। उसमें हम अपने जीवन के सभी प्रकार के संसारिक कार्यों को भी करते हैं और साथ में हम भगवान को भी अपने जीवन में एक स्थान देते हैं, क्योंकि हम सब भगवान से डरते हैं। एंड देन दूसरा स्तर है आशा। हमारी भगवान से कुछ डिमांड्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। हमें पता है कि भगवान बहुत दयालु हैं, और हम जिस भी भावना से भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारी वो इच्छा पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजामयम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसी हिसाब से उसके साथ रिस्पॉन्ड करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो फर्स्ट इज भय, उसके बाद अगला है आशा। कुछ चाहिए तो चलो भगवान के पास चलते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। उसको जनरली हम बोलते हैं बिजनेस करना भगवान के साथ। एंड तीसरा स्तर है कर्तव्य। हम सभी के हृदय में होता है कि चलो ये हमारी एक एक ड्यूटी है, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, और हमारा ये ऑब्लिगेशन बनता है कि हम अपने जीवन में भगवान की सेवा करें। वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, वहाँ पे कोई डर नहीं है। तो जो पहले के दो स्तर हैं, ये उससे ऊपर का स्तर है, कर्तव्य बोध। फॉर एग्जाम्पल, हम जब फैमिली लाइफ में आते हैं, तो फैमिली लाइफ में ये एक कर्तव्य होता है हमारा कि हम अपने परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। ये हमसे एक्सपेक्टेड है, समाज भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, परिवार भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। एंड यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे, तो जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमारा कर्तव्य एक बोध होता है, जिसके सर पे हम समाज की भी बात को रखते हुए अपने जीवन में जितने भी हमारे दैनिक कर्तव्य होते हैं, उनको हम पूरा करते हैं। ऐसे ही हम भगवान के साथ भी करते हैं, भगवान के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इससे ऊपर एक और है, वो है प्रेम। प्रेम का स्तर जो है सबसे उत्तम स्तर है, और भगवान कार्तिक मास के महीने में हमें उस प्रेम के अवसर को कैच करने की पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, पूर्ण अवसर भगवान हम सभी को प्रदान करते हैं। ये भगवान की ओर से हम सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अब बात आती है, ठीक है, हमें पता चल गया कि भगवान ने हमें ये गिफ्ट दिया है कार्तिक मास के महीने में, हम केवल भगवान को दीप दिखाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, कुछ नहीं करना।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि केवल भगवान को दीप ऑफर करने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो भगवान आपके लिए एक अवसर क्रिएट करते हैं, बट उस अवसर को आपको अपने जीवन में रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर उसके बाद अपने आप कुछ कार्य करना होता है। तो आज का ये कार्यक्रम क्या है? आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए अवसर है। अब उस अवसर को आप कैसे यूज करते हैं ये आपके हाथ में है, इसका चुनाव आप सभी को करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी का लक्ष्य प्रेम है। हम पहले प्रेम जो है इस संसार में ढूंढते हैं, जब हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है, भक्तों का संग मिल जाता है, तो फिर हमें पता चलता है कि इस संसार में अल्टीमेटली कोई वस्तु प्रेम के योग्य नहीं है। अगर कोई वस्तु प्रेम के योग्य है तो वो है भगवान अल्टीमेटली। तो फिर हमें कुछ अलग स्टेप्स अपने जीवन में लेने होते हैं, एंड वो जो अलग स्टेप्स होते हैं उसकी शुरुआत होती है सेवा से। तो एक होता है प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करना। तो कार्तिक मास में ऐसे बहुत से अवसर हमें मिलते हैं जब हम भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करके हम शुरू करते हैं। तो भगवान कृष्णा जब इस संसार में थे तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं की, और एक छोटी सी लीला तो बहुत बड़ी है वो, और उसको मैं बहुत संक्षेप में आपको अभी बताऊंगा। एक श्लोक है भागवतम का 10वें स्कंद का 6 अध्याय का, इसका अनुवाद है, चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए जो कंस था वो बहुत उतावला था। समाओ कृष्णा मथुरा छोड़कर आ गए थे गोकुल में। वो कृष्णा जब इस प्रकार से गोकुल में आ गए तो कंस की परेशानियां बढ़ने लगी थी। वो कंस जो है वो अलग अलग प्रकार से योजनाएं बना रहा था कि किस प्रकार से कृष्ण को मारा जाए। वो भी कृष्ण का स्मरण करता था दिन रात सुबह शाम, वो स्मरण करता था कृष्ण को मारने के लिए। तो इसी प्रकार से कृष्णा को मारने की प्लानिंग चल रही थी मथुरा में। अब किसी को ये नहीं पता था कि कृष्ण है कहाँ। ठीक है, मान लिया कि कृष्ण गोकुल में गए, गोकुल में भी गए तो गोकुल में तो बहुत सारे घर हैं, हम उन बहुत सारे घरों में डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों का जन्म होता होगा, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चे जन्म होते होंगे। तो कृष्ण का भी जन्म अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था कृष्ण का जन्म, एंड नंद महाराज के घर नंदोत्सव की तैयारियां चल रही थी। तो कंस ने एक प्लान बनाया और अपने प्लान के अनुसार कंस ने नियुक्त किया पूतना को। वो पूतना को भेजा गया मथुरा से गोकुल कंस के द्वारा। और वो जो पूतना थी वो अलग अलग घरों में विजिट कर रही थी, अलग अलग घरों में घूम रही थी, और वो छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रही थी। छोटे छोटे बच्चों को ढूंढती थी, जहां भी छोटे बच्चे मिलते थे, छोटे बच्चों का जहां भी जन्म हुआ था उन छोटे बच्चों को मार देती थी। ऐसे ही घूमते 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 वो एक दिन नंद महाराज के घर पहुंच गई। तो जब वो नंद महाराज के घर पहुंची, तो वहां पे तैयारियां चल रही थी, भगवान आए थे, सेलिब्रेशन टाइम था। एंड पूतना ने क्या किया, पूतना ने अपने फॉर्म को बिल्कुल बदल लिया। वो तो एक डायन थी,
वो तो बिल्कुल दिखने में कुरूप, बहुत बड़ा उसका शरीर था, पर उसने क्या किया, उसने अपने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। इनफैक्ट पहले के समय में ऐसा होता था, जो लोग असुर भी होते थे, दानव, उनके पास भी आसुरी शक्तियां होती थी। तो ऐसे ही पूतना के पास वो शक्ति थी, पूतना एक असुर थी, आसुरी, बट फिर भी उसने अपने आप को बदला एक एक ब्यूटीफुल लेडी के रूप में। वो एंटर कर गई किसके घर में, नंद महाराज के घर में। वो इतनी सुंदर लग रही थी, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ कि वो पूतना है, कोई डाउट नहीं। वो अंदर घुसती जा रही है, क्योंकि पहले तो घर महल के समान होते थे, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरे। तो वो फाइनली एंटर करते 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 वो कृष्ण के रूम में पहुंच गई। यशोदा माँ देख रही है, नंद महाराज देख रहे हैं। वो कृष्ण के रूम में पहुंच गई, और कृष्ण के रूम में पहुंचकर उसने कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया। कोई मना नहीं कर रहा, तो प्रश्न ये उठता है, किसी ने मना क्यों नहीं किया? कृष्ण को उठाने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? कृष्ण कोई साधारण बालक तो है नहीं, बट फिर भी वो पहुंची कृष्ण के रूम में, कृष्ण को पूतना ने उठा लिया। तो उसका रीजन क्या है, किसी ने क्यों नहीं रोका? किसी के मन में डाउट ही नहीं आया। माया ने सबको इस प्रकार से घुमा दिया था कि किसी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये जो सुंदर स्त्री है ये एक डायन है, ये सुंदर स्त्री एक डायन है, किसी को इस चीज की भनक भी नहीं लगी। तो इसी प्रकार से जब हम इस संसार में रहते हैं, हम सब इस संसार में रहते हैं, हम सब भी अपने जीवन में समय समय पर माया के चंगुल के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि माया ने हमें पकड़ रखा है। ये इतना खतरनाक प्लॉट है इस संसार में। हमारे सामने पता है हमें कि हम सब मरेंगे, सब मरेंगे, बट फिर भी हमें लगता है कि ये जीवन तो नश्वर है, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग, हमारे जितने भी जीवन के क्रियाकलाप हैं, वो इसी डायरेक्शन में है। लाइफ इज लिमिटलेस, देयर इज नो एंड टू द लाइफ, बट वास्तविकता तो यही कि हम सब ने एक दिन जाना है। जीवन का एक सत्य है कि हम सभी को एक दिन ये शरीर छोड़ के, ये संसार छोड़ के, हमारे संबंधियों को छोड़ के, हमें हमारे मित्रों को छोड़कर, सबको छोड़ के हमें जाना होगा एक दिन। हम समझते हुए भी नहीं समझ पाते, और हम अपनी जो वास्तविक तैयारी है, हम वास्तविक तैयारी को नहीं कर पाते, क्योंकि हम संसार में खो जाते हैं, और हमें यह भी नहीं पता चलता कि इस संसार से बाहर कैसे निकलना है। हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसके इस रिगार्ड में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा की बूंद होती है, अभी बारिश हो रही थी, जो वर्षा की बूंद है उसका जो जल, जब तक वो जमीन पर नहीं पड़ता तब तक वर्षा की बूंद बिल्कुल प्योर है, वो पानी बिल्कुल शुद्ध है। अब आपके ऊपर पानी की बूंदें पड़ी, ऐसा तो है नहीं कि आप नहाने चले गए अंदर, यू नो दैट इट्स प्योर वाटर, नो प्रॉब्लम। अगर हमारे शरीर पे बूंदें पड़ेंगी तो ठीक है, बट एक बार वो जमीन पर पड़ गई तो फिर वो वर्षा की बूंद कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है ना? ऐसे ही है, ये बच्चों को थोड़ा चुप कराइए प्लीज। एक बार वो कीचड़ बन जाती है तो जैसे ही वो कीचड़ हमारे ऊपर लगती है, हम इमीडिएटली अपना हाथ पैर धोना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल, यही हमारा स्वभाव है। तो जब तक वो पानी शुद्ध होता है तब तक सब ठीक होता है, जैसे ही वो पानी गंदा हो जाता है सब गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब तक हम इस संसार में नहीं आते तब तक हम हमेशा ये चिंतन करते हैं कि यस, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, और जैसे ही हम इस संसार की गंदगी के संपर्क में आते हैं हम भूल जाते हैं सब कुछ। माया हमें जकड़ लेती है, पकड़ लेती है माया, और माया हमें
वास्तविकता से बिल्कुल अज्ञान बना देती है। हम भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है और इग्नोरेंस क्या है, रियलिटी क्या है, इग्नोरेंस क्या है, दूसरे शब्दों में सही क्या है, गलत क्या है, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो यहां पे ये जो पूतना आई थी, पूतना ने फिर कृष्ण को उठा लिया, कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू कर दिया। मतलब आप ये देखिए, एक साधारण स्त्री बाहर से आई, उसने भगवान को स्तनपान कराना शुरू कर दिया। और वो जो स्तनपान वो करा रही थी, उसने अपने स्तन पे जहर लगाया हुआ था। जहर, वो जो जहर था वो जहर इसीलिए लगाया गया था कि जब कृष्ण स्तनपान करेंगे तो उस प्रोसेस के थ्रू कृष्ण का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ये प्लान था कि अल्टीमेटली जब वो स्तनपान करेंगे कृष्ण का जीवन समाप्त हो जाएगा और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं चली जाऊंगा। उसकी एक सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो कृष्ण को साधारण मान रही थी, साधारण मनुष्य मान रही थी, साधारण बालक। वो कृष्ण को एक साधारण बालक मान रही थी और उसने सोचा ठीक है, ये एक साधारण बालक है, मैं इसको स्तनपान कराऊंगी, मर जाएगा ये। बट भगवान का कुछ और ही प्लान था। भगवान ने क्या किया, भगवान को सब कुछ पता है कि इसके स्तनों में जहर लगा हुआ है, पर फिर भी भगवान ने पर्पसफुली भगवान ने स्तनपान करना शुरू किया। क्योंकि भगवान अपने जीवन में जब कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। अभी जो पूतना है, ये पूतना पहली राक्षसी है जिसने भगवान को मारने की कोशिश की थी। एंड आई थिंक उस समय भगवान केवल 6 दिन के ही थे, है ना, भगवान केवल 6 दिन के ही थे, भगवान की छठी वगैरह सेलिब्रेट हो रही थी। और फिर भगवान कृष्ण ने स्तनपान करना शुरू किया। एंड स्तनपान जब कर रहे थे, पहले तो भगवान ने विष का पान किया, विष पान करते रहे भगवान। और उसके बाद विष पान करने के बाद भगवान ने पूतना का जीवन भी ले लिया। जब भगवान ने पूतना का जीवन लिया तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। वैसे तो वो बहुत सुंदर स्त्री बन के आई थी, बट वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसका बहुत बड़ा शरीर, विशाल शरीर, वो विशाल शरीर वहां पे पूरे में फैल गया। और इस प्रकार से पूतना का अंत हो गया। जब पूतना का अंत हो गया तो अब सबने देखा कि भाई इस प्रकार से इतना बड़ा विशाल ये शरीर कहां से आ गया। एंड कृष्णा उसके ऊपर खेल रहे थे। कृष्णा तो बहुत छोटे थे और वो शरीर बहुत बड़ा था, कृष्णा उस बॉडी के ऊपर खेल रहे थे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ये देखा तो किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। सब हैरान थे, परेशान थे, चिंतित थे। और फाइनली यशोदा माँ ने देखा कि यस, कृष्णा सेफ है, कृष्णा सेफ है। क्योंकि वो सब ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वो केवल ये जानते हैं तो कृष्ण है, ये मेरे पुत्र हैं। उनको इस चीज की परवाह नहीं कि कृष्णा भगवान है। तो जब हम प्रेम के स्तर पे भगवान के साथ डील करते हैं, फिर भगवान की महानता भगवान के रूप में हम साइड रख देते हैं। जिस प्रकार से जब कर्तव्य बोध होता है, अभी हम बात कर रहे थे कर्तव्य बोध की, कर्तव्य बोध में हम भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। बट जब हम प्रेम के स्तर पे पहुंच जाते हैं, अभी हम में से कोई भी नहीं है यहां पे प्रेम के स्तर पे, मैक्सिमम हमारे पास अभी इस जीवन में, अभी एट प्रेजेंट केवल सेवा का अधिकार है। प्रेम की डेफिनेशन भी अभी हमें नहीं पता, भगवान से प्रेम की डेफिनेशन क्या है हमें उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। हम मैक्सिमम कहां पे खेल रहे हैं अभी, सबसे पहले भय, आशा, कर्तव्य, इन तीनों में ही हम अटके हुए हैं। बट इससे ऊपर है प्रेम का स्तर। तो ब्रजवासियों को क्योंकि कृष्ण से प्रेम था, वो कृष्ण से प्रेम में इतनी ज्यादा
अभिभूत हो जाती थी कि उन्हें ये नहीं पता होता था कि ये कृष्णा भगवान है। वो कृष्ण के साथ एक साधारण बालक के रूप में डील करती थी। तो जब वो पूतना वहां पे मर गई, उसका पूरा विशाल का एक शरीर वहां पे फैला हुआ था, तो एकदम से यशोदा माँ ने कृष्ण को उठाया, उसको यू नो गोमूत्र से उसको उनको शुद्ध किया, और मतलब मंत्रों का उच्चारण किया गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई हमारे पुत्र के साथ। ब्रजवासी जो थे उन्होंने पूतना का जो इतना बड़ा शरीर फैला हुआ था उसको भागों में विभाजित करना शुरू किया। भागों में विभाजित करने के बाद उन्होंने उसको काटा और फिर उसको जलाना शुरू किया। जब वो जला रहे थे तो जलाते समय क्या हुआ, उससे एक खुशबू आने लगी। यहीं पे इस पर्टिकुलर श्लोक में यही कह रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था। स्तनपान करने का मतलब कि कृष्ण ने पूतना को मां की गति प्रदान की थी। बहुत बड़ी बात है, कृष्ण ने पूतना को मां की गति प्रदान की थी। वो तो स्तनपान कराना मीन्स मां ही अपने बच्चों को स्तनपान कराती है। इस प्रकार से पूतना ने, हालांकि वो आई थी कृष्ण को मारने की चेष्टा से, बट उसने रोल प्ले किया किसका, मां का रोल प्ले किया। तो ये बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था। दूसरे शब्दों में क्योंकि कृष्ण ने पूतना को मां के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा, जब कृष्ण ने पूतना को मार दिया, तो उसके जितने भी भौतिक कलमश थे, भौतिक कलमश में जितने भी इम्प्योरिटीज थी उसके अंदर, एक तो जहर भरा हुआ था, जहर के अलावा उसके अंदर अलग अलग विकार भी थे। इनफैक्ट वो भगवान से ईर्ष्या भी करती थी, वो भगवान से ईर्ष्या करती थी, भगवान से ईर्ष्या कर रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ भगवान उसको मां की गति प्रदान कर रहे हैं। ये है भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण, यदि हम अपने जीवन में कभी, यदि हम अपने जीवन में कभी भी अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि भगवान की सेवा कर लेते हैं, कभी गलती से नेगेटिव मेंटेलिटी से भी भगवान की सेवा कर लेते हैं, तो भगवान हमारी उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब वो पीसीज को काटा गया, जब उसके भौतिक कलमश खत्म हो गए, इम्प्योरिटीज से वो फ्री हो गई, तो सारे पाप, दूसरे शब्दों में पूतना के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो गए। तो इसी प्रकार से यदि हम भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से यदि सेवा करना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 हमारे जीवन से पापों का घड़ा जो है वो कम होने लगता है। अभी तो हमारे घड़े में पाप भरे हुए हैं, हम सभी के घड़े में पाप भरे हुए हैं अभी, बट जब हम भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे हम अप्रत्यक्ष रूप से करें, तो अपने आप हमारे पाप कम होने लगते हैं। पूतना के केस में तो वो ईर्ष्या की भावना से आई थी। एटलीस्ट जब हम भगवान से अपना संबंध बनाना शुरू करते हैं, एटलीस्ट हमें ये तो क्लियर होता है कि हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। एटलीस्ट थ्योरेटिकली वी आर क्लियर। ठीक है, अभी हम शायद सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे अभी हम शायद ईर्ष्या करते होंगे, हमें नहीं पता, एंड डेफिनेटली हम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा लग सकता है कि हम ईर्ष्या नहीं कर रहे, बट वो छुपी हुई है, छुपी हुई है वो ईर्ष्या भी। अभी वो ईर्ष्या उजागर भी नहीं हो रही। जब वो ईर्ष्या उजागर होने लगेगी, तब उस ईर्ष्या के ऊपर काम शुरू होगा। इस चीज की अनुभूति होना कि यस हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना को गति दी, सदगति दी, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब वो ब्रजवासी उनके पूतना के शरीर को काट कर जला रहे थे, तो वहां से सुगंध आ रही थी, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हुआ था पूतना को, इसलिए वो जो शरीर था पूतना का
वो फिर साधारण शरीर नहीं था, तो भगवान ने उसको भगवत धाम दिया था। यह है भगवान का गुण, भगवान इतने दयालु हैं। कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी के थ्रू, श्रीमती राधा रानी क्योंकि इंचार्ज है ना, श्रीमती राधा रानी के थ्रू कार्तिक मास में भगवान अपने इस दयालु गुण को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भगवान हैं, भगवान कहते हैं कि मैं फ्री में बांट रहा हूं अपनी कृपा, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि यस हम अभी निकृष्ट हैं, पतित हैं, अभी हमें करना है कुछ, बहुत कुछ करना है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कार्तिक हमारे लिए एक शुरुआत होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें प्रेम तक पहुंचना है। मैंने बताया था चार स्तर, तो हमें भय से भगवान के पास नहीं जाना, हमें कुछ मांगने के लिए भगवान के पास नहीं जाना, हमें कर्तव्य के स्तर पर भी अल्टीमेटली भगवान के पास नहीं जाना। यदि हमें अल्टीमेटली भगवान के पास जाना है तो भगवान से प्रेम करने के लिए जाना है। वो प्रेम करने का ना एक लेवल पे कोई रीजन नहीं होता, ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि यस हमारा भगवान से अट्रैक्शन होना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी है, अल्टीमेटली प्रेम का कोई कारण नहीं है। कहते हैं ना इस संसार में जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ऑल्दो वो केवल एक रिफ्लेक्शन है। तो भगवान से भी हमें इसी प्रकार से प्रेम को विकसित करना है। ये बाकी तीनों स्तर पे तो इस संसार के लोग रहते हैं, भगवान के भक्तों को इन तीनों स्तर पे कोई रुचि नहीं होती, हम डर के नहीं जाते भगवान के पास, ठीक है। सो ये ही कार्तिक मास के महीने में आप सभी के लिए संदेश है कि प्लीज अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा सा उठाइए, इसके ऊपर विचार कीजिए कि हमें केवल इन तीन लेवल्स के ऊपर काम नहीं करना, हमें अल्टीमेटली फोर्थ लेवल जो कि प्रेम का स्तर है, प्रेम के स्तर पे काम करना है। क्योंकि भगवान हमारी भावनाओं को देखते हैं और हमारी वास्तविक भावनाएं, जितना हम प्रेम करते हैं या जिस भी वस्तु से हम प्रेम करते हैं उसमें हमारी भावनाएं छुपी होती हैं। प्रेम का मतलब ही भावना है, अल्टीमेटली भगवान को भावनाएं तो ऑफर करनी है, हरे कृष्णा। तो अल्टीमेटली हम सभी को भगवान को भावनाएं अर्पित करनी है, एंड यही है कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ ही है कि भगवान को अपनी भावनाएं हम अर्पित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम।